एकता और शोभा कपूर पर पॉस्को एक्ट के तहत किया गया केस दर्ज। वेब सीरीज गंदी बात सीजन 6 से जुड़ा है पूरा मामला। नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए गए थे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ये केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए हैं। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के बोरीवाली स्थित MHB पुलिस थाने में एक स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता और उनकी मां शोभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीरीज में एक एपिसोड में पॉस्को एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन्स दिखाए गए हैं या फिर कुछ सीन्स दिखाए गए थे। इसके साथ ही वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया है। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची है। इस तरह वेब सीरीज में पॉस्को एक्ट के अलावा आईटी एक्ट 2000 का भी धारा लगा हुआ है। वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानून का भी उल्लंघन किया गया है। एकता और शोभा ने नहीं दिया रिएक्शन। हालांकि अभी तक इस मामले में एकता कपूर और शोभा कपूर की ओर से कोई भी रिएक्शन या उनका बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में बच्चों पर बनने वाली अश्लील फिल्मों पर अदालत की टिप्पणी भी सामने आई है और इन दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बीते 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना या दिखाना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना गुनाह है। 2020 में भी इसी सीरीज को लेकर एक बार जो है केस दर्ज हो चुका था। एकता और उनकी वेब सीरीज गंदी बात इससे पहले भी विवादों में आ चुकी है। 2020 में इसी सीजन के एक सीजन मतलब इस वेब सीरीज के एक सीजन में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के मामले में एकता के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस को एकता ने हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि वेब सीरीज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जांच और पक्ष सुने बगैर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तो देखिए अभी हाल ही में जो मैटर है वो ये है कि इनके एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर में ये कंप्लेन की गई है उनके अगेंस्ट कि उन्होंने अपनी जो वेब सीरीज है गंदी बात सीजन 6 में जो नाबालिग है उन मतलब बच्चों के और उन गर्ल्स के जो सीन्स है वो जो है वो अच्छे सीन्स नहीं लिए हैं, आपत्तिजनक सीन लिए हैं, तो इससे जो है केस दर्ज किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह की फिल्में जो लगातार बॉलीवुड में बनती आ रही है, फिल्म वेब सीरीज, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताएं।